गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन ने अल्कोहल की नामकरण की सामान्य पद्धति पढ़ी थी। आज अपन अल्कोहल के नामकरण की आईपीएसी पद्धति पढ़ेंगे। हालांकि अल्कोहल के नामकरण की आईपीएसी पद्धति के खूब सारे नियम है, काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन अपन अभी उसको 12 क्लास तक लिमिट में पढ़ेंगे। तो मैं आपको जो कुछ नियम लिखवा रहा हूँ वो सिर्फ अभी 12 क्लास के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी खूब सारे नियम और जुड़ते हैं जो कॉम्पिटिशन में काम आते हैं, उन पे अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। मैं बेसिक जो अपने अभी 12th में काम आने वाले हैं उन्हीं नियमों को मैं लिखवा रहा हूँ। तो पहले कुछ नियम लिख देते हैं अपन अल्कोहल के नामकरण की आईपीएसी पद्धति। अल्कोहल के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति। अल्कोहल के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति नंबर एक, सर्वप्रथम उस लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, चयन करते हैं जिसमें OH समूह उपस्थित होता है। हालांकि अभी अपन लोग पढ़ेंगे उसमें सीधी एक ही श्रृंखला बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि लंबी श्रृंखला बनती है उसमें OH समूह नहीं आता है, तो उस श्रृंखला का चयन नहीं करना। अपन अल्कोहल का नाम पर लिख रहे हैं, OH समूह यौगिक में दिख रहा है, मतलब वो अल्कोहल है, तो अपन उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें OH समूह आना चाहिए, ठीक है। ये नियम भी अपन में थोड़ा सा इसको रिवीज में कर देंगे। दूसरा, चयनित कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिस ओर से OH समूह को कम से कम अंक मिले। श्रृंखला चयन करने के बाद में अपना दूसरा काम होगा, उस श्रृंखला में जितने भी कार्बन है उनको अपन नंबर देंगे, 1, 2, 3, 4। अब नंबर किधर से देना है उसके लिए, और उससे पहले एक और बात कर देता हूँ। एक और भी नियम होता है कि आपको दो या दो से अधिक लंबी श्रृंखलाएं मिल जाए, जैसे 4 कार्बन की आपको 2 श्रृंखलाएं मिल गई है। अपन ने कहा लंबी श्रृंखला लेनी है, लेकिन यौगिक में 4 कार्बन की 2 श्रृंखलाएं मिल गई है, 5-5 कार्बन की 3 श्रृंखला मिल गई है, तो उस केस में उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिस श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। वो नियम भी आगे अपन कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ेंगे, तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी अपने इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं 12th डेज में, तो अपने सीधा से ध्यान रखो श्रृंखला चयन करने के बाद नंबर उस ओर से देंगे जिधर से OH को कम से कम अंक मिले। अब इसमें भी कई लफड़े होते हैं, OH बीचों बीच में आ जाए, इधर से भी 3 नंबर पे, इधर से 5 कार्बन की श्रृंखला है, इधर से भी 3 नंबर पे आता है, इधर से भी 3 नंबर पे आता है, तो उस केस में फिर क्या किया जाता है, प्रतिस्थापी की स्थिति को देखा जाता है। जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलेगा उधर से नंबर देते हैं। फिर ऐसा भी कह सकता है OH समूह की समान दूरी पे दोनों सिरों से,
और प्रतिस्थापी भी दोनों सिरों से समान दूरी पर। तो फिर हम प्रतिस्थापी को देखा जाता है, प्रतिस्थापी समान है या अलग अलग है, वो आगे की बात है, वो भी अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, अपने इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अपने को कम से कम मिले उधर से नंबर दे दो। नंबर तीन लेते हैं, चयनित कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर एल्केन लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं। इसमें एक और रूल्स होता है, पहले काम करते हैं, थोड़ा सा चेक कर देते हैं। यदि एल्केन चौथे पॉइंट में कोई प्रतिस्थापी होते पहले उसका नाम लिखा जाता है। प्रतिस्थापी मतलब श्रृंखला के बाहर उपस्थित समूह, सभी प्रतिस्थापियों के नाम, प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके स्थिति क्रमांक सहित दिखते हैं। श्रृंखला के बाद दो दो भी समूह होंगे, OH समूह को यहां पे क्रियात्मक समूह का नाम करेगा, OH समूह के अलावा श्रृंखला के बाद जो दो भी समूह आएगा वो प्रतिस्थापी होगा। तो नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम इसलिए लिखा है कि अगर दो प्रतिस्थापी है तो उनके नाम के प्रथम अक्षर देखेंगे, जिसके नाम का प्रथम अक्षर पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी अल्फाबेट में हिसाब से पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जिसका बाद में आता है उसका बाद में लिखा जाएगा। जैसे अपने क्लास के रजिस्टर में ए नाम वालों का पहले नाम लिखा जाता है, फिर बी का लिखा जाता है, फिर सी का पहला पहला अक्षर देखा जाता है, नाम का पहला अक्षर। तो प्रतिस्थापियों के भी नाम का पहला अक्षर देखेंगे, जिसका पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको पहले लिखना है, जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखना है, और उनके स्थिति क्रमांक भी लिखना है, किस नंबर पे वो समूह जुड़ा हुआ है उस नंबर को भी लिखना है। अब वो चौथा पॉइंट, चयनित कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्केन लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं। बच्चों यहाँ एल्किन भी आ सकता है, एल्केन भी आ सकता है, लेकिन अभी अपन 12 सिलेबस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंगल बॉन्ड वाले ही मिलेंगे, इसलिए अपन जितने कार्बन होंगे तो एक कार्बन है तो मेथेन लिखेंगे, दो है तो एथेन लिखेंगे, तीन है तो प्रोपेन लिखेंगे, चार है तो ब्यूटेन लिखेंगे, पांच है तो पेंटेन लिखेंगे, पांच से ज्यादा कार्बन भी अपने को देखने को नहीं मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर नंबर पांच, इसी में जोड़ देता हूं, तत्पश्चात अनुलग्न ऑल लिखते हैं।
करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो दो कार्बन की स्थिति फिक्स रहती है, तो दो कार्बन के नाम लिखेंगे मेथेनॉल और एथेनॉल लिखेंगे तब तक वो इसकी स्थिति नहीं बदलेंगे। तीन या तीन से ज्यादा कार्बन होंगे तब इसकी स्थिति को दर्शाएंगे। एक और पॉइंट इसमें जोड़ देता हूं, यदि यौगिक में दो या दो से अधिक समान कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, समान कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं तब समान प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं तब दो के लिए डाई तीन के लिए ट्राई चार के लिए टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। समान प्रतिस्थापी आ जाते हैं तो दो समान प्रतिस्थापियों को अलग अलग नहीं लिखेंगे अपन, जैसे दो मैत्री समूह आ गए तो उसको मैत्री अलग अलग नहीं लिखेंगे, साथ में लिखेंगे उसके नाम पे आके डाई लगा देंगे डाई मैथिल। तीन मैथिल समूह आ गए तो मैथिल 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 नहीं लिखेंगे, उसको ट्राई मैथिल लिखेंगे। चार मैथिल समूह आ जाए तो मैथिल 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 अलग अलग नहीं लिखेंगे, उनको साथ में एक साथ में टेट्रा मैथिल लिखेंगे। तो समान प्रतिस्थापी होने पर दो के लिए डाई तीन के लिए ट्राई चार के लिए टेट्रा पेंट्रा ऐसा ऐसे चलता रहता है। तो ये मैंने अपने 12 बेस के आधार पर सिंपल से 5 नियम लिखे, इनमें बहुत सारे नियम और है जो मैंने आपको यहाँ भी लिखा है, उनकी अभी अपने कोई जरूरत नहीं है, बाकी इनमें बहुत सारे नियम और होते हैं। ठीक है, वो अपन डिटेल में जब कॉम्पिटिशन की क्लास पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। क्लियर, तो अब अपन उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण लेता हूं मैं, देखो नंबर 1 CH3OH। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, श्रृंखला का चयन करना है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, नियम से चलते रहो। तो यहाँ देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक, और उस एक कार्बन की श्रृंखला बन सकती है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इस श्रृंखला में OH के अलावा और भी आपको कोई समूह दिख रहे नहीं है, मतलब प्रतिस्थापी नहीं है। अब एक कार्बन चयनित श्रृंखला में एक कार्बन को अपन क्या कहते हैं, मैथ, और उसको एल्केन के रूप में लिखेंगे, क्या होगा, मैथेन। देखो चयनित कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्केन लिखते हैं, एक कार्बन है तो मैंने उसको क्या किया, मैथेन। अब OH के लिए अनुलग्न लगाते हैं और इसमें स्थिति दर्शाने की आपको आवश्यकता है नहीं, मैथेनॉल। इसका नाम याद रख सकते हो CH3OH, मैथेनॉल। दूसरा लेते हैं अपन CH3CH2OH, कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल जाता है C2H5OH, तो इसको ऐसे खोल लेना चाहिए, जब समूह साथ में तो खोल लेना चाहिए, कार्बन की संख्या का अनुमान लगाने में अपने को सुविधा होती है, श्रृंखला चयन करने में सुविधा होती है। तो यहाँ देखो कितने कार्बन श्रृंखला बनेगी, दो की बनेगी। OH के अलावा देखो श्रृंखला के बाद कोई समूह नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है, और दो कार्बन तक श्रृंखला को नाम देने के लिए आवश्यकता नहीं है, इस स्थिति फिक्स होती है। OH इस कार्बन से जुड़े चाहे इस कार्बन से जुड़े, एक नंबर पे रहना है, जब स्थिति फिक्स होती है तो स्थिति को
नहीं रख सकते थे। तो दो कार्बन का एल्केन बनेगा एथेन, और उसमें और लगा देंगे बन गया एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। क्लियर। तीन कार्बन का लेते हैं अपन, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, तीन कार्बन का लेता हूं। अब इसका भी देखो सीधी सीधी श्रृंखला बननी है, तीन कार्बन। अब यहां देखो OH समूह की स्थिति बदल सकती है, तो यहां आपको नंबर देना पड़ेगा, और नंबर उस सिरे से दिए जाते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को कम मिले। इधर से अगर मैं नंबर दू 1, 2, 3 पे ओएच जाएगा, इधर से नंबर दू तो 1, 2, 3 एक नंबर का आया, इधर से एक नंबर पे, इधर से देते हैं तो 3 नंबर पे। तो अपने क्या कहा, नंबर उधर से देना है जिधर से ओएच को कम से कम अंक मिले। तो कम अंक किधर से मिलेगा? इधर से 1, 2, 3। अब तीन कार्बन श्रृंखला है, बाहर को प्रतिस्थापी है नहीं, प्रतिस्थापी होते हैं तो पहले उनका नाम लिखा जाता है, प्रतिस्थापी है नहीं तो उनका नाम नहीं लिखा जाता, लिखने की आवश्यकता है। तो तीन कार्बन श्रृंखला है प्रोपेन, और OH कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? एक नंबर पे। तो यहां सीधा मैं और नहीं जोड़ूंगा, प्रोपेन 1 और। पुराने जमाने में ऐसा लिखा जाता था 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, ये पुराने जमाने की बात है, इतनी भी बात है, अपने को मॉडर्न जमाने के साथ चलना है, ये गलत रहेगा, इसका यूज नहीं करना। हालांकि इसको गलत नहीं कह सकते अपन, लेकिन अब ये मेथड नहीं चलता है, आप उसी तरह से लिखने की आदत डालिए, प्रोपेन 1 और, OH एक नंबर पे है इसलिए 1 और। इसी योगिक को मैं ऐसे लिखता हूं CH3 CH OH CH3, ये भी तीन कार्बन का एल्कोहल है, इसमें भी श्रृंखला बनाएंगे तो ये देखो सीधी सीधी श्रृंखला बनेगी। इस श्रृंखला में भी OH के अलावा कोई प्रतिस्थापी नहीं है। नंबर देते हैं इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, तो आपकी मर्जी आए उधर से नंबर दे सकते हैं 1, 2, 3। जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो किधर भी दे सकते हैं। तो अब देखो कितने कार्बन श्रृंखला है, 1, 2, 3 प्रोपेन, कितने कार्बन श्रृंखला है, 3 की प्रोपेन, कितने नंबर पे हुआ चल रहा है, 2 के, प्रोपेन 2 और, प्रोपेन 2 और। तो समझते हैं इसमें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 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 OH। अब इसमें कितने कार्बन श्रृंखला बनेगी? 4। नंबर देते हैं प्रतिस्थापी है नहीं, 1, 2, 3, 4, और इधर से दे तो एक नंबर, तो इधर से दे देते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, कितने कार्बन श्रृंखला है? 4 की, 4 को कहते हैं ब्यूटेन, कितने नंबर पे हुआ जा रहा है, एक नंबर पे, ब्यूटेन 1 और, ब्यूटेन 1 और। समझ आ रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा।
कितने नंबर पे हो जा रहा है, दो पे, यू टेन टू ऑल, यू टेन टू ऑल। पास होता है ये दो पास है यार, इस ओ एच की स्थिति है, ओ एच किस नंबर का आयतन से जुड़ा हुआ है, दो नंबर से, यू टेन टू ऑल। सातवां उदाहरण देखते हैं अपन, सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री ओ एच। संकलन बनाते हैं एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, और तीनों संकलन एक जैसे सीधी संकलन बना देते हैं, तीन कार्बन की संकलन बन गई है। और यहाँ देखो ओ एच के अलावा एक समूह बाहर आ रहा है, ये प्रतिस्थापी कहलाता है, संकलन के बाहर आने वाले समूह प्रतिस्थापी कहलाते हैं। अब पहला नंबर अपन क्या करेंगे, ओ एच के साथ करेंगे, इधर से भी दो कह रहा है, इधर से भी दो कह रहा है, जब ओ एच की स्थिति भी होती है तो प्रतिस्थापी को देखते हैं, ये भी दो पे, इधर से भी दो पे, तो अपने प्रॉब्लम नहीं है, नंबर किधर से दो, एक दो तीन, आप इधर से भी दे सकते हो, एक दो तीन। अब यहाँ पहले प्रतिस्थापी है तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा, सी एस सी को मैंने आपको बताया मैथिल कहते हैं, क्या कहते हैं मैथिल, कितने नंबर पे आ रहा है, दो पे, टू मैथिल, टू मैथिल, कितने कार्बन श्रृंखला, तीन की, प्रोपेन, टू मेथिल प्रोपेन, OH कितने पर आ रहा है, टू पे, टू और, टू मेथिल प्रोपेन टू और, क्लियर, समझ रहे हैं ना, पहले प्रतिस्थापी का नाम मेथिल, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, दो नंबर कार्बन से, टू मेथिल, कितने कार्बन श्रृंखला है, तीन की, प्रोपेन, कितने पे जुड़ा हुआ है, OH दो पे, टू मेथिल प्रोपेन टू और, CH3, CH2, 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 OH कितने कार्बन श्रृंखला बनी है, पांच की, नंबर दो, वन टू थ्री फोर फाइव, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ठीक है, तो पांच कार्बन को क्या लिखेंगे, टेन टेन, कितने नंबर पे होने जा रहा है, एक पे, टेन टेन वन और, टेन टेन वन और, ये बात समझ में, कोई समस्या इसमें, बढ़ते हैं आगे। नाइन पर लेते हैं, सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री अब इसमें संकला देखते हैं अपन क्या क्या बन सकती है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सीधी लो चाहे ऐसे लो, दोनों संकला सेम है तो मैं देखो एक सीधी संकला ले लेता हूं, नंबर उधर से देखिए इधर से ओ एच को कम से कम अंक मिले, एक दो तीन चार, और इधर से लें तो एक नंबर, तो वन टू थ्री फोर, क्लियर। अब देखो यहाँ तीन नंबर क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी, तीन नंबर के क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी, तो पहले नाम लिखा जाएगा प्रतिस्थापी का, थ्री मैथिल, थ्री मैथिल, कितने का आयतन श्रृंखला, चार की, ब्यूटेन, और OH कितने पे जुड़ा हुआ है, एक के, ब्यूटेन वन और, थ्री मैथिल ब्यूटेन वन और, लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, नंबर उधर से लिख दिया जिधर से OH को कम नंबर मिला, फिर लिखते समय पहले प्रतिस्थापी का नाम, श्रृंखला के बाद जो भी समूह है उसका नाम, एक समूह दिख रहा था सी एस थ्री, याद कर लो सी एस थ्री को मैथिल कहते हैं जब श्रृंखला के बाहर आता है, तो मैथिल कितने नंबर पे, तीन नंबर पे, थ्री मैथिल, कितने का आयतन श्रृंखला, चार की, ब्यूटेन, और कितने पे OH जा रहा है, एक पे, थ्री मैथिल ब्यूटेन वन और, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें लेते हैं, इसमें सीधी 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 पांच कार्बन श्रृंखला बन गई है, नंबर देते हैं एक दो तीन चार, और इधर से दो पे आ रहा है, तो मैं इधर से नंबर दे दूंगा, वन टू थ्री फोर फाइव, प्रतिस्थापी है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने कार्बन श्रृंखला, पांच, टेन टेन, कितने पे वह जा रहा है, दो पे, टेन टेन टू और,
टू सी सी एस टी सी एस टी इसका संकलन बनाते हैं तो लंबी से लंबी ये संकलन बन जाएगी। ठीक है, नंबरिंग देते हैं एक दो तीन पे हुआ है, इधर से दो पे आ रहा है तो इधर से नंबर देंगे। नंबर उधर से देना है जिधर से OH समूह को कम से कम अंक मिले, इधर से OH को दो ऊपर नंबर मिल रहा था, नंबर दे दिया। अब इस श्रृंखला के बाहर एक प्रतिस्थापी है, पहले इसका नाम आएगा टू मैथिल। टू मैथिल, मैथिल कितने पे जुड़ा हुआ है, दो नंबर पे। टू मैथिल चार कार्बन श्रृंखला ब्यूटेन, ब्यूटेन कितने पे हुआ जा रहा है, दो पे। ब्यूटेन टू और, ब्यूटेन टू और। क्लियर, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस टू ओ एच। अब यहाँ पे ये भी तीन कार्बन श्रृंखला हो सकती है, लेकिन इसका चयन करूंगा नहीं क्योंकि इसमें ओएच नहीं है, तो मैं इस कार्बन श्रृंखला का चयन करूंगा। उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें ओएच समूह होना चाहिए। अब नंबर देते हैं इधर से वन इधर से टू ये थ्री। अब देखो दो प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो पहले सारे प्रतिस्थापियों के नाम लिखेंगे, और दोनों समान प्रतिस्थापी है, ये भी मैथिल ये भी मैथिल, तो मैं ऐसे टू मैथिल टू मैथिल नहीं लिखूंगा, पहले इन दोनों की स्थिति लिखूंगा। ये मैथिल कहां पे आ रहा है, दो पे। ये मैथिल कहां पे आ रहा है, ये भी दो पे, और दोनों को साथ में लिखूंगा डाई मैथिल। डाई मैथिल टू कॉमा टू डाई मैथिल, ये भी दो पे ये भी दो पे। जितने भी प्रतिस्थापी हो उनकी स्थिति अलग हो, कॉमा लगा करके फिर जितने हैं उसके हिसाब से डाई डाई डेटा लिख सकते हैं। तो डाई दो थे तो डाई मैथिल, कितने कार्बन श्रृंखला तीन की प्रोपेन। अब कितने पे हुआ चाह रहा है, एक पे प्रोपेन वन और। क्लियर, तो अभी 12th क्लास में आईयूपीएससी में अपने यौगिक काम आने वाले, ये भी मैंने एक्स्ट्रा में करवा रखे हैं, तो आप कम से कम इन सारे यौगिकों की आज वापस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये नाम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि नाम आएंगे तभी अपन अभिक्रियाएं कर पाएंगे। एग्जाम में मिलेगा आपको कि 2.2 डाइमेथिल प्रोपेन वन ऑल की इस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाइए, तो ये यौगिक अपने को आना चाहिए। मैथेनॉल की उसके साथ क्रिया करवाइए, तो मैथेनॉल होता क्या वो अपने को समझ में आना चाहिए। तो आज घर पे बैठ के वापस आईयूपीएससी और सामान्य पद्धति दोनों की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल अपन इस चैप्टर का मेन पोर्शन स्टार्ट करेंगे, यानी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, कैसे अभिक्रिया होती है, कैसे बॉन्ड टूटता है उनको समझेंगे। रटनी नहीं है अभिक्रियाओं को, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके से साथ साथ में चलते जाओगे तो आपका अभिक्रिया वाला पोर्शन बहुत बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर, तो गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।